अदाबर्स, आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल। अजीज तलबा व तालबात, आज हम देखेंगे कुमार भारती नवी जमात उर्दू 11 नंबर गजलियात का ये चैप्टर। पहली गजल हम देखेंगे, समाप्त कीजिएगा। उर्दू शेरी अशनाफ में गजल की खास अहमियत है। गजल की मकबूलियत का बड़ा सबब इसका इजाज व इख्तिसार, इशाराती उसलूब और गनाइयत है। गजल में गुनागुन इंसानी जज्बों को कम से कम लफ्जों में अदा किया जाता है। क्लासिक गजल में बुनियादी तौर पर हुस्न इश्क के मामलात और कल्बी वारदात को बयान किया जाता है, बयान किया जाता था, मगर जमाने के साथ गजल के मानवी इम्कानात में उस वक्त पैदा होती गई। अब गजल किसी मखसूस मौजू की पाबंद नहीं रही। गजल में इश्क मोहब्बत के साथ माशरती, सियासी, तारीखी और असातीरी वाकयात को भी मौजू बनाया जाता है। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिंफ में दिखाई देती है, किसी और सिंफ में इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। बेशक इसकी मकबूलियत का बड़ा सबब मजामीन व मौजूआत की यही रंगारंगी और तनव है। गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल और मानी व मफहूम के एतबार से दूसरे शेरों से जुदा गाना होता है। गजल की एक मखसूस हयत होती है। इसमें मतला, हुस्न मतला, काफिया और रदीफ वगैरह की खास अहमियत है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी जरूरी है। मसलन गालिब की गजल का मतला है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस शेर के पहले मिसरे में लफ्ज हवा, लफ्ज हुआ शेरी इस्तेलाह में काफिया है, जिसकी सौती मुनासिबत से दूसरे मिसरे में दवा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मतले के बाद हर शेर के दूसरे मिसरों में काफिये की पाबंदी की जाती है। जैसे गालिब की उसी गजल का एक और शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। इस शेर में माजरा काफिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो आहंग के लिहाज से हुआ और दवा से मुमासलत रखता है। रदीफ और काफिये के सबब गजल में खुश आहंगी पैदा होती है। मतले के बाद वाले शेर में अगर मतले की तरह दोनों मिसरों में काफियों की पाबंदी हो तो हुस्न मतला कहलाता है। गजल में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम 5 अशआर की पाबंदी की जाती है। गजल की एक मखसूस तहजीब और रिवायत रही है। नज्म के तारुफ में आपको बताया गया है कि गजल नज्म की एक सूरत हयत है, लेकिन नज्म और गजल में ये अहम फर्क है कि नज्म जो 10-20 अशार या बंदों पर मुश्तमिल होती है, उसके तमाम अशार एक ही मौजू से जुड़े हुए होते हैं, जबकि गजल जिसमें 5-7 या ज्यादा अशार होते हैं, उसके हर शेर का मौजू मुख्तलिफ होता है, यानी गजल शायरी की एक हयाती सूरत है। इसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, ये शेर मतला कहलाता है। फिर बाद के हर शेर के दूसरे मिसरे में मतले के काफिये से मिलता दूसरा काफिया इस्तेमाल किया जाता है। काफिये के बाद तकरार से आने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को मक्ता कहते हैं। यहाँ शामिल सौदा की गजल में देखिए, मतला के काफिये, करम कदम शेरों के काफिये, हम हरम दम वगैरह, रदीफ देखते हैं, मक्ता आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस सौदा इस्तेमाल किया गया है, वो मक्ता कहलाता है। आइए हम देखते हैं गजल। ये गजल सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एल्चपुरी की तहरीर करदा है। आमतौर पर शुमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। उर्दू के अहम शोरा मसलन मीर, गालिब, सौदा, दर्द वगैरह इसी खित्ते से उभरे। इसी जमाने में जनूबी हिंद में कुली कुतुब शाह, वली दफनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह मशहूर हुए। सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एल्चपुरी ने वस्त हिंद में शेर व सुखन की शमा जलाई। जान पहचान, सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एल्चपुरी 1718 ईस्वी में एल्चपुर बरार में पैदा हुए उनके वालिद सैयद गुलाम हसन साहबे करामात बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने वतन कछोछा यूपी को छोड़कर एल्चपुर में सुकूनत अख्तियार की थी। सैयद गुलाम हुसैन पर
अपने वालिद की सूफियाना तालीमात के गहरे असरात पाए जाते हैं। दीगर सूफिया की तरह वो भी मजहबी रवादारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे। उनकी नज्म यक रंग नामा कौमी यकजहती को फरोग देने वाली है। कलंदराना कलंदर नामा, अशगाल नामा, सखी नामा और अवध नामा भी इसी कबील की नज्में हैं। उन्होंने उर्दू दीवान के अलावा एक फारसी दीवान भी छोड़ा। गुलाम हुसैन एलचपुरी का इंतकाल एलचपुर में 1795 में हुआ था। अब यहाँ से गजल स्टार्ट होती है, इब्तदा हम करते हैं बिल्कुल हल्के शुरू में। पहले मैं गुनगुना देता हूँ, फिर उसके बाद इसे समझा दूंगा। देखिएगा, दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, कोई हम दर्द नहीं सुनाऊं क्या। जख्म सीने के मेरे सीने को कोई जरह नहीं सिलाऊं क्या। और ये शेर भी बड़ा मुतासिर कुन शेर है। गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या। अपने आंखों की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस कती रुलाऊं क्या। अब बोल सोसन जुबां सुहाल अपना, गुंचाए बस्ता लब हंसाऊं क्या। अब दाव सीने का अपने दिखला कर, गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। और ये मक्ता देखिएगा, रूसिया ही सू रब हुजूर हुसैन, हाथ खाली हूँ अब ले जाऊं क्या। दर्दे दिल गैर को बताऊं क्या, कोई हम दर्द नहीं सुनाऊं क्या। अब अलीम ताहिर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, जय हिंद।